मुझे लगता है पंछियों को काम नहीं मिला तो उन्होंने दुकान खोल ली। जहाँ देखो वहाँ पंछी बैठा, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला सही उड़ेगा और कौन सा वाला पेट में बैठ जाएगा। एक बार तो कास्टिक मिला दिया उसने पेठा बनाने के चक्कर में, खाया था तूने लग रहा है, ये खा गया। मैंने कहा तो कास्टिक वाला बोले भाई साहब वरना सफाई हो जाएगी। So, ये अद्भुत जगह है। अब मैं तो परमानंद में रहता हूँ, आगरा 2-3 साल से नहीं आया हूँ, लेकिन पहले तो बहुत आता था, एक एक साल में 3-4 बार आता था। अब कई बार तो आप ही नहीं बुलाते हो, कई बार मैं ही नहीं आता हूँ। संपत सरल जी जो है वो घूमते फिरते आए हैं, उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने दवाई ली है 3-4 तरह की, और उनमें से एक आध तो मैंने भी देखी थी एक्सपायरी डेट के बाद। मैंने कहा भाई साहब इसकी तो एक्सपायरी डेट निकल गई, बोले हम भी बुजुर्ग की तरफ आ गए हैं, यही वाली असर करेगी, ताजी वाली कर भी नहीं सकती है। तो बड़े अद्भुत व्यंगकार हैं संपत सरल जी, और आपने लगातार सुनते रहे हैं। वो जिसके विस्मरण में नहीं भी होते वहाँ भी उनके वन लाइनर्स, उनके जुमले होते हैं। अब वो आपके हवाले हैं, आप उनके हवाले हैं। कवि को डेकाड्रोन का इंजेक्शन नहीं चाहिए, कवि को आपकी तालियां चाहिए स्वास्थ्य सही करने के लिए। तो पहले तो इतनी तालियां बजाइए कि संपत जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। अभी कम बजी, थोड़ी और बजाइए, थोड़ी और बजाइए, थोड़ी और बजाइए, जोरदार तालियों के साथ। आप सब लोगों का अभिवादन। मुझे कोई भ्रम नहीं है, अब यहाँ दो ही तरह के लोग बैठे हैं, एक जो कुमार विश्वास को सुनना चाहते हैं, दूसरे वो जो दूसरों के साधन पर आए। आदरणीय वाइस चांसलर साहब जितनी देर भी आए और अब वो चले गए, उन्होंने महसूस किया होगा यहाँ भी यूनिवर्सिटी का ही माहौल है तो क्या बैठना। अच्छा, मुख्य अतिथि अक्सर कवि सम्मेलनों में या कहीं भी देर हो जाती है उनको, 2-3 साल में ये समस्या खत्म हो जाएगी जब बुलेट ट्रेन चल जाएगी। भाई साहब संपत जी, कल बुलेट ट्रेन का उद्घाटन हुआ तो हमारा जो नौकर है ना बाहर, वो गार्ड से बात कर रहा था, तो वो बता रहा था कि बुलेट ट्रेन 500 की स्पीड से चलेगी और वो करेगी, तो सचमुच वो गार्ड उससे पूछ रहा था, चौधरी चौ साहब फिर तो लोटा में से पानी गिर जाया करेगा। तालियां बजा दीजिए एक बार संपत जी के लिए। अभी सीडी वीडी रहन दो, वो प्यार प्रेम की कविताएं आएंगी तब करना है सारा। सुनते हैं कि बुलेट ट्रेन का किराया भी बड़ा सस्ता होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। हाँ, और इतनी तेज चलेगी और किराया इतना सस्ता होगा कि जिन लोगों को तो काम नहीं होगा वो भी जाएंगे। हाँ, जो दाएं बाएं लोग खड़े हैं आप लोग भी स्थान ग्रहण कर लो अपना, काफ़ी समय से आप खड़े हो यहाँ, खाली कुर्सियों के बावजूद लोग खड़े हैं। दरअसल हिंदुस्तानी आदमी ऐसी किसी चीज पर बैठना ही नहीं चाहता जिस पे लेट नहीं सकता। कुमार विश्वास एक एक्टिविस्ट भी हैं और कवि भी हैं, हालांकि वो एक्टिविस्ट का जो लवादा है वो मंच पे उतार के रखते हैं, और आज देखो कि हम कवियों का किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है, सब अपने ढंग से बात कह रहे हैं। अभी परसों सहारनपुर में कवि सम्मेलन था तो सामने एक विधायक बैठे थे, मैं समझ नहीं पाया तो ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या, तो उनका गनमैन बोला नहीं साहब बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। इसलिए किसी पार्टी पर कोई व्यंग्य हो तो उसे उस पार्टी पर ही व्यंग्य नहीं समझे, सब कुछ गड्ढमड्ढ है। और मुझे लगता है जिस ढंग से भारी बहुमत के बावजूद कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रहे हैं बीजेपी वाले,
हो सकता है 2019 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों को लेकर के भी काफी कुछ कह दिया गया। देश का वातावरण ऐसा ही है सब। मैं तो अभी 3 दिन पहले घर की तहरी पे बैठा, दोपहर में अखबार पढ़ रहा था, उसमें खबर थी कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। तो यार आपको अच्छी तालियां बजानी चाहिए, कितनी बड़ी खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी खबर है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक बच्चा उधर से जा रहा था, मैंने उसे 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा वो सामने ठेले वाला है, कुल्फी वाला, उसे 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ला, एक तू खा लेना, एक मैं खा लूंगा। वो एक आइसक्रीम खाता हुआ बोला, अंकल उसके पास 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। 10 रुपए का मेरे साथ पेटीएम तो हुआ, लेकिन मुझे ये 2 चीजें सीखने को मिल गई। एक तो मैं कैशलेस हो गया और दूसरा ये समझ में आ गई कि GST क्या होती है। बेटा छोटी सी उम्र में चूना लगाना सीख के चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल मैं पढ़ता हूं। आप तो जानते हैं ना कि पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं। बच्चों के साथ यही समस्या है जी, पहले उनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना। मैंने भी जो है उस पर ऐसे ही सवाल कौनता गया, बोले जी अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। मैंने कहा क्यों? बाबा साधु बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। अब उसने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठे। बोले अंकल वो तो और मुश्किल है, साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोल ले, कथा प्रवचन के लिए अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। मेरे तो ये, हालांकि मैं कोई अर्थशास्त्र और इन चीजों के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र उतना ही जानता हूँ जितना वित्त मंत्री कविता समझते हैं। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास लेने की सोच रहे हैं। आए हाय आए हाय, अच्छा है, बहुत अच्छा। लोग कहते हैं कि साहब ये नोटबंदी और इन चीजों से क्या हासिल हुआ? मैंने कहा बाज बच गए और कबूतर मारे गए। रमेश मुस्कान भी सह परिवार बैठा है, वो उनकी धर्मपत्नी और परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं और माताएं बहने आए हैं। काफी स्त्रियों को लेकर के भी हमारे कवि लोग हंसी मजाक सब करते रहते हैं। स्त्री की जो ताकत है, जो त्याग है, समर्पण है, वो पुरुष से बहुत बड़ा है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। वो पति ने पत्नी से डींग हाँक दी, बोले मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं की। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि चरखे के साथ फोटो खिंचवा लेने से कोई महात्मा गांधी भी हो जाता, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता। अब लोग कह रहे हैं कि साहब पार्लियामेंट से तो बोला ही जाता था, लाल किले से भी धड़ल्ले से झूठ बोला जाता है। मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक अच्छी बात कही है, उन्होंने लिखा एक जगह कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये समझते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है।